क्या आपने ऐसी कोई सरकारी योजना सुनी है जिसमें सरकार का एक रुपया भी ना लगे और 85 किलोमीटर तक एक नदी का पानी पहुंच जाए? सुनने में शायद आपको मजाक लगता होगा, लेकिन ये हुआ है। सरस्वती विकास बोर्ड के प्रयासों और अधिकारियों के साथ तालमेल से यमुनानगर के आदि बद्री से कैथल जिले तक 80 किलोमीटर के सफर में आज सरस्वती की एविरल धारा बह रही है और ये वही पानी है जो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिमाचल के कुछ इलाकों के लिए मुसीबत बनता था, यानी कि फालतू पानी था। वही पानी आज सरस्वती में बह रहा है सिर्फ अधिकारियों के तालमेल से। ना इस काम के लिए बड़ा बजट लगाया गया, ना लेबर लगानी पड़ी। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और विभाग के अधिकारियों ने यह कर दिखाया। इस मुद्दे पर सरस्वती विकास बोर्ड के सिंचाई विभाग के SC का क्या कहना है, वह भी सुनिए। एक बात साफ है, यदि नियत साफ हो और काम करने का मन हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। अगर 85 किलोमीटर तक सरस्वती की धारा पहुंच सकती है बिना 85 पैसे खर्च किए, तो ये भी संभव है। केवल आपकी ईमानदारी और आपके काम के प्रति जुनून के कारण सरस्वती में अभी लंबा काम बाकी है। अभी तो महज इम्तिहान है, लंबी उड़ान अभी बाकी है। ये तो सब सरस्वती माता की कृपा है और जो हरियाणा सरकार ने पिछले 5 सालों में कार्य किए हैं उसकी बदौलत अब सरस्वती नदी में यमुनानगर से लेके और जहाँ पे गग्गर में जाके गिरती है वहाँ तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हर जगह पे जहाँ पे पुल की व्यवस्था थी वहाँ पे पुल की व्यवस्था कर दी गई है। हर साल इसकी सफाई करवाई जाती है। इस कारण जब इस बार 9-10 जनवरी को बरसात हुई यमुनानगर के क्षेत्र में, तो वहाँ से जितना भी वर्षा का जल था या किसानों के खेतों में जो बाढ़ करके खेत को नुकसान पहुँचाना था जिस जल ने, वो सारा जल सरस्वती नदी में आ गया और उस जल को हमने इस सरस्वती नदी में बहाने के लिए हर जगह से सरस्वती की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण आज आप सरस्वती में निर्मल जल की जो धारा देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। कोई पैसा लगा इसमें सरकार का फंडिंग में? इसमें हमने सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं किया। काफी समय से सरस्वती को दोबारा से चलाने का एक प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का है उस पर लगे हुए हैं और अभी हमें कुछ ऊपर से जो पानी इधर उधर बह के निकल जाता था, बरसात का पानी जो था या फिर खेतों में नुकसान करता था या WJC में चला जाता था, कुछ यमुना में चला जाता था, उस पानी को हम सारा कलेक्ट करके इकट्ठा करके हम सरस्वती में लेकर आए हैं और यमुनानगर से जिले से लेकर कुरुक्षेत्र तक का करीब करीब 85 किलोमीटर का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें हम अब इस वक्त हम पानी सरस्वती में चल रहा है। जो लाडवा और रादौर का जो क्षेत्र है वो सारा डार्क जोन में है। बहुत किसान खुश इस बात से है कि वहां से ये सारा का सारा पानी इस वक्त भी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे इस पानी को 4 से 5 फुट या 5 से 7 फुट पानी जो है कम से कम 1.5 महीना इसको जरूर चलाएंगे और बीच में हमें और बरसात मिलगी तो उसके बावजूद और भी पानी हम लेकर आएंगे इसमें। और जब तक आगामी सीजन जो बरसातों का आया जब तक का हम प्लानिंग है कि हम इसमें पानी चलाएंगे। दूसरा, अभी इस रेगुलर पानी चले इसको लेकर 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश और माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हिमाचल के CM साहब के बीच में एक MOU साइन होना है जो 21 तारीख को आदि बद्री में तय हुआ है। उस MOU में जो डैम हमारा सोमरदी नदी के ऊपर बन रहा है उसको लेकर ही ये खबर। नाम हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।